जैसे कि आप देख रहे हैं सर्दियां आ चुकी हैं और मैं भी खूब गर्म होने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात करते हैं कि आपने सर्दियों में हीटर यूज़ करना है, आपने गैस हीटर यूज़ करना है, और या फिर आपने के अगर आपके पास हीट मोड पे एयर कंडीशन काम करता है तो वो यूज़ करना है। तो आज उस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी और कौन सी चीज़ के एडवांटेज ज़्यादा हैं और किसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो फिर ये आप समझ सकेंगे कि कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो हीट मोड पे आपके पास एयर कंडीशनर है उनको तो आप ओपन रखें और ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जो कूल मोड सिर्फ एयर कंडीशन है तो फिर उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उसको अच्छे से सर्विस करवा लें या साफ़ कर लें और उसको कवर कर दें इंडोर आउटडोर को और उसको पैक करके नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार कर लें। और अब दोस्तों मैं आपको ये भी एक बात क्लियर कर दूँ कि ज़्यादातर जो आम सेंस में लोगों का एक सोचने का तरीक़ेकार है कि वो यही सोचते हैं कि जो एसी होता है या एयर कंडीशनर होता है वो अगर इसको हीट मोड पे चलाया जाए चाहे उसको कूल मोड पे चलाया जाए तो उसे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए से जो एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है तो उस में काफ़ी हद तक तब्दीली आएगी और आप जान सकेंगे कि आपको ये जो कंसेप्शन है ठीक है या गलत है। सबसे पहले बात करते हैं कि हीट जो है वो ज़्यादा जल्दी काम करती है कि कूल जल्दी ज़्यादा काम करता है। तो जहाँ तक आम सेंस में देखा गया, मैंने जो जो नोट किया, तो जो हीटिंग है वो जल्दी काम करती है। किस तरह से कि आप देख लें, सर्दियों में भी आप देख लें कि किसी भी एक कमरे में अगर बैठे हैं तो आपको ठंड लग रही है तो आप कमरे का दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद कर दें तो उस कमरे में हीट पैदा होने शुरू हो जाती है। जबकि आप गर्मियों में जो है वो ठंडक के लिए कमरे को बंद कर दें तो क्या होता है, और गर्मी हो जाती है। तो इसलिए जहाँ तक मैंने ये देखा है गर्मी ज़्यादा जल्दी काम करती है। तो यहाँ पे आपको अब बताते हैं कि आपको कौन सा चीज़ जो है वो यूज़ करनी चाहिए। आपको हीटर यूज़ करना चाहिए, आपको गैस हीटर या एयर कंडीशन यूज़ करना चाहिए। अब इन तीनों सिस्टम को जांचने के लिए अपने आप को हम तीन पॉइंट्स में बांध लेंगे, क्योंकि अगर हम ओपनली बात करें तो मेरे ख्याल से ना तो हम आपको समझा पाएंगे और ना ही किसी को मेरी बात की समझ आएगी। तो इसलिए वो तीन पॉइंट्स होंगे कि पहला कि इनमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा रिलायबल कौन सा है सिस्टम, फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इनमें सबसे अच्छा सिस्टम जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो और तीसरा वो देखेंगे पॉइंट होगा कि बिल में कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है या बिल में सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा है, तो उनको हम चेक करेंगे। और अब हम जल्दी जल्दी बात करेंगे इसलिए कि ताकि वीडियो को छोटा किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे रिलायबिलिटी पे। तो रिलायबिलिटी को भी दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। तो दो हिस्सों में पहला हिस्सा होगा कि इसके कीमत में सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा है। तो मेरे ख्याल से सबसे सस्ता कीमत में जो गैस हीटर और जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वही होंगे, क्योंकि एसी काफ़ी महंगा होता है और वो उनकी कीमत में से मुकाबला नहीं कर सकता है। और दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा जी कि कम्फर्ट लेवल किसका अच्छा है। तो जो कम्फर्ट लेवल है वो जो हीटर हैं वो कभी भी नहीं दे सकते हैं, दोनों हीटर, गैस हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर। उसकी वजह ये है कि वो एक कोने में पड़े होते हैं और वहीं पे वो हीट जनरेट कर रहे होते हैं। एक जगह पे हीट कुछ होती है और दूसरी जगह दूसरे कमरे के दूसरे हिस्से में हीट कुछ होती है, तो इस वजह से वो इसके कम्फर्ट लेवल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और जो एसी होगा उसमें चूँकि सेंसिटिव जो सेंसर हैं वो लगे होते हैं और जब पूरा यूनिट काम कर रहा होता है तो वो सेंसर उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और जो कमरे का टेम्परेचर है उसके जो आपने सेट टेम्परेचर किया है उसी के मुताबिक कमरे को पूरे कमरे को जो है एयर सर्कुलेशन से गर्म कर रहे होते हैं, तो इससे कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है और कमरे में काफ़ी अच्छा जेस्चर मिल जाता है। और अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा था सेफ्टी। तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा किस में है, तो जो इलेक्ट्रिक हीटर और गैस हीटर हैं उनमें सेफ्टी लेवल बिल्कुल सिफर होता है। उसकी वजह यह है कि वो जिस भी कोने में पड़े हों वहाँ पे हमेशा हम बड़ों को बच्चों को मना करते हैं कि भाई इसके नज़दीक मत जाना, कहीं कोई मसला ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए, कोई हाथ ना लगा देना, गर्म है तो बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, यानी कि हर वक्त एक धड़कन सी लगी रहती है कि यार कोई मसला ना हो जाए। और फिर गैस हीटर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ दफ़ा, अगर लीकेज हो, कोई मसला हो तो
गैस चली जाए, कौन गैस है तो वो चली जाए, एलपीजी है तो वो ख़त्म हो जाए, सिलेंडर ख़त्म हो जाए, दोबारा ऑन किया, यानी कि मसले ही मसाइल हैं उनमें। अब बात कर लेते हैं एयर कंडीशनर की, तो एयर कंडीशनर जो है वो एक छोटा बच्चा भी आके ऑन कर ले, अगर वो पहले से हीट मोड पे सेट है तो वो सिर्फ ऑन ऑफ का बटन दबाए तो वो उसके लिए परफेक्टली काम करेगा, किसी किस्म की कोई मसला नहीं आएगा। आके कोई बड़ा मौजूद है घर में, नहीं है, उसने उसको ऑन किया ऑफ़ किया, वो परफेक्टली अपना काम करता रहेगा, कमरे को गर्म कर देगा और सेफ्टी ही सेफ्टी रहेगी। हाय बिल, ये मेरा दिल गया, कितना दिल आ गया जी। जी हाँ, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि जेब पे भारी ना हो, तो कौन सा भारी नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो अगर 2 किलोवाट का है, मतलब कि 2000 वाट का है, और अगर 1000 वाट का है, अगर 3000 वाट का है, तो जितने वाट का वो है उसी वाट के हिसाब से उतनी ही बिजली लेगा। मतलब कि अगर 2000 वाट का है तो 2000 वाट बिजली ही वो कंज्यूम कर रहा होगा और पर आवर के हिसाब से ही कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो किसी काम के नहीं है। अगर मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है गैस का भी और एयर कंडीशनर का भी, तो फिर इलेक्ट्रिक हीटर बिल्कुल नाकाम है, उनको यूज़ मत कीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं गैस हीटर की। तो गैस हीटर भी बाज़ इलाकों में गैस होती है, बाज़ इलाकों में गैस नहीं होती है, और सर्दियों में तो बिल्कुल नापैद हो जाती है, मिलना मुश्किल हो जाता है, एलपीजी मिलना मुश्किल हो जाता है, टाउन गैस अक्सर बंद हो जाती है रात के वक्त, दिन के वक्त तो उसका कोई पता नहीं चलता। इस वजह से मेरे ख्याल से वो भी जो है उस लेवल पर नहीं आ सकती है जिस लेवल पर होगा आपका एयर कंडीशनर। और बात की जाए अगर गैस के बिल की, तो वो भी देना ही पड़ेगा, कम या ज़्यादा देना ही पड़ेगा। अगर तो जिन इलाकों में गैस मिल जाती है और कुछ रेट अच्छे हैं तो वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिक हीटर का ऑप्शन है वो बिल्कुल ख़त्म है। अगर इलेक्ट्रिक मौजूद है तो फिर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो एयर कंडीशनर का रहेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब एयर कंडीशनर का हीट मोड जो है वो काम कर रहा होता है तो उस वक्त ऐसा होता है कि एक तो वो जो कमरे में ऑलरेडी हीट जनरेट होती है उससे वो हीट लेता है, और दूसरा वो खुद से जो हीट पंप अंदर की तरफ गर्म हवा दे रहा होता है तो वो उससे भी हीट लेके, तो वो डबल हो जाता है उससे, और डबल होके यानी कि वो जल्दी से कमरा गर्म कर देगा। और दूसरी वजह ये है कि अगर वो आपको 2 किलोवाट की एनर्जी दे रहा है यानी कि हीट दे रहा है, तो वो कितनी बिजली लेगा, वो 0.6 तकरीबन 0.6 किलोवाट बिजली पर आवर के हिसाब से आपको, आपसे वो बिजली जो है कंज्यूम कर रहा होगा। इस तरह से मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कन्वेंशनल सादा यूनिट है तो वो जो है गर्मियों में अगर फुल लोड पे बिजली ले रहा था तो कम से कम सर्दियों में वो आपको 40-50% की बचत देगा। लेकिन अगर आपके पास डीसी इन्वर्टर है तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। वो इस तरह से कि ऑलरेडी जो डीसी इन्वर्टर हैं वो 40-50% तकरीबन जो रिलायबल होते हैं कि वो आपको बचत देते हैं, लेकिन जब आप उसको हीट मोड पे यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको हीट कमरे की तरफ ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं और कमरे में पहले से गर्मी है, हवा में जो गर्मी है वो यूनिट लेके आपको वो प्रोवाइड कर रहा होता है, उससे वो यानी कि और भी सस्ता हो गया 50% पहले, और अब फिर से उसको 50% से और भी कम कर दे 60%, मतलब ये कि आपके बिल कम ही कम आएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ बात याद रखने वाली है कि ये आपके डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे यूज़ किया, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आपने 2 घंटे यूज़ किया उसके मुताबिक बिल आएगा, आपने 12 घंटे यूज़ किया उसके मुताबिक बिल आएगा, आपने 24 घंटे लगातार यूज़ किया उसके मुताबिक बिल आएगा। तो इन सब बातों के बाद आप सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। तो मिलते हैं फिर से इस तरह की एक और वीडियो में, तो देखते रहें फॉरएवर टेक।